राजगढ़ के अस्पताल में एक मरीज का हाल पूछने कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां लंबे समय से बंद एक्सरे मशीन की शिकायत मिली, जिस पर विधायक तंवर अस्पताल के अधिकारियों पर भड़क गए। विधायक बापू सिंह तंवर का कहना है कि लंबे समय से सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए के खर्चे के कारण एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। अस्पताल में अधिकारियों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर ने कहा कि हर बार हाँ हाँ करके आप मुझे मत समझाओ, यदि व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है तो तुम मुझे कह दो, मैं अस्पताल में ताला लगा दूंगा। विधायक का इस तरह का रूप देखकर डॉक्टरों ने शीघ्र ही व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कलेक्टर को फोन लगाकर कहा कि आपका CMHO फोन अटेंड नहीं करता है और व्यवस्था किसी भी तरह से सुधर नहीं रही है, सिर्फ 10 से 15 हजार के लिए एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। उन्होंने कहा कि निजी एक्सरे मशीन संचालकों से यहाँ कमीशन बंधा हुआ है, जो सुधरने की रुचि नहीं ले रहा है। जिला चिकित्सालय डिजिटल एक्सरे मशीन रखी हुई है और लोग बाहर जाकर अपना काम कर रहे हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। वो डायलिसिस मशीन के लिए तो 10 बार मेरे को आयुक्त के पास जाना पड़ा, जब जाके चालू हुई। ये लोग फॉलो ही नहीं करते, वो फ्रीजर रखे हुए उसके जो मुर्दा घर वाले वो आज तक लाके रखे हुए, उनको इंस्टॉल नहीं करा सके, करोड़ों रुपए के आए हुए हर चीज पे। मतलब इनको इतनी बार यहाँ मीटिंग करके बोल चुका हूँ, कोई बात ही नहीं, बस कर रहे उसके बाद जो बाहर मतलब वो एक्सरे करा करा के ला रहे हैं, कितनी डिजिटल मशीन है, तो मैं वहाँ नई मशीन के लिए ला रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।